सर स्टूडियो बात करें तो ऑफिशियली लगभग दो प्लस स्टूडियो हमने बनाए तो ये पूरा काम एंड टू एंड कंपनी करके देती है रॉ रूम दे दीजिए पूरा रूम बना के देंगे तो लगभग चार से पांच दिन तो लगते हैं इसको बस हाँ, बस हाँ रेडी हो जाता है हाँ। इसमें अलग अलग वीडियोस तीन चार तरीके की बना सकते हैं क्या खर्चा आएगा सर तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा नया सेटअप है ना बड़ा अच्छा लगता है यार जब आओ टेंशन फ्री कुछ भी करने की जरूरत नहीं और अपने सेटअप पे बैठ जाओ तो ये मेरा सेटअप है और आपका भी एक सपना होता है अपना कि कुछ मेरा भी एक स्टूडियो ऐसा हो क्योंकि यूट्यूब पे आपने दो तीन साल काम कर लिया है और पता है यार यहाँ से पैसा आना है करियर यही बनना है और सब कुछ यही बनेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब कुछ बनने का जो सपना होता है ये कैसे पूरा होगा तो बड़ी चैलेंजेस आती है हम हर दिन कोई ना कोई बंदा हमसे टकराता है सर आप टेंशन मत लो डिजिटल बोर्ड लगा देंगे सर टेंशन मत लो ये वाला जो देख रहे हो आप ये जो पैनल है सर ये दो बाय दो का पैनल होता है मैं दिलवा दूंगा गुजरात साइड से मिलता है आप सोचते हो यार इतना टाइम नहीं है अपने पास ऐसा सेटअप बता कि डिजिटल बोर्ड पे भी काम कर सकूं ऐसा सेटअप बता कि मैं पॉडकास्ट भी कर सकूं उसी रूम में ऐसा सेटअप बता कि मैं बैठ के बढ़िया सा यहां पे एकदम रेनबो टाइप कुछ डिजाइन मिल जाए या कुछ और डिजाइन मिल जाए जो मैं अपने तरीके से सेट करके बढ़िया सा एक रील शूट कर लूँ या

आपको साइड में बैकग्राउंड है आराम से बैठ के रील बना सकते हैं और व्हाइट पे यूज कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं पीछे सोफा लगा के पॉड कास्ट भी कर सकते हैं तो मिलवाता हूं मैं उनसे ओ सर जी कैसे हैं <laughs> सर? वेलकम सर और आज यही है वो शख्स जो ये पूरा स्टूडियो आज से नहीं बहुत टाइम से डिजाइन कर रहे हैं लेकिन कई बार सर मुझे यूट्यूबर पूछते थे कि अमरेज हम हाँ। यार हमें भी स्टूडियो बनाना है कंप्लीट स्टूडियो कोई टेंशन नहीं लूंगा मैं हाँ। बस मैं बस पढ़ाने के लिए आऊंगा सेटअप के लिए तो मैंने कहा एक पूरी वीडियो बनाई जाए ये उनके लिए है जो बिगनर नहीं है बिगनर तो तो की दिक्कत हो जाएगी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और चाहते हैं बड़े सेटअप से शुरुआत करें या फिर यूट्यूब पे दो तीन साल काम कर चुके हैं पैसा बनाए तो सर ये बनाने में

ये सेटअप जो आप देख रहे हैं मैं जो ये कैबिन में हूँ ये मेरे ख्याल से तक पंद्रह या बारह बारह का रूम है तो आप समझ सकते हो बारह फिट आठ फिट में मुझे इतना लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड भी सेट हो गया राइट इधर भी एक पूरा आपको मिल गया इधर भी व्हाइट मिल गया पीछे अगर आप देखेंगे एक सोफा लगा हुआ है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे सोफा तो कई बार आप पॉडकास्ट करते हैं तीन लोग सोफा बैठ गए एक इधर बैठ गए बिल्कुल ये सारा काम हो जा रहा है अब मैं जानना चाहता हूँ दो दो देखा होगा जो ये लाइटिंग लगी है जी. उस तरफ से ऊपर है और इधर नीचे है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो इससे क्या है कि लाइट हमारी यू पड़ रही है ऐसे तो नीचे लाइट नहीं लगाना पड़ेगा खर्चा बचा प्लस रूम साफ सुथरा लग रहा है दूसरा ये साउंड इंजीनियरिंग है पूरा करेक्ट तो आवाज नहीं आ रही हाँ आ, क्लैपिंग भी कर रहा हूँ साउंड इंजीनियरिंग समझना बहुत जरूरी है इसलिए ये भी कॉस्टिक है ये भी कॉस्टिक है साउंड इंजीनियरिंग में क्या है सर साइड टू साइड जैसे मान लो किसी को पूरा साउंड प्रूफिंग बनाना समझ है समझिए ठीक है।, है तो ये पूरा काम एंड टू एंड कंपनी करके देती है जिसमें कारपेट भी लाइटिंग भी यानी कुछ भी नहीं करना रॉ रूम दे दीजिए पूरा रूम बना के देंगे ओके okay, परफेक्ट मतलब है मतलब सब कुछ सोल्यूशन दे देते हैं हाँ। पूरा डिजिटल बोर्ड भी आप लगा हाँ, देते हैं हाँ, पूरा हाँ, इसके हाँ। पीछे जो कंप्यूटर लगा हाँ, वो भी हाँ, लगा देते हाँ, हैं

डिजिटल ये जब स्टूडियो बनाया जाएगा हाँ। तो स्पेसिंग में समझ गया इतना चाहिए कितने दिन लगते हैं आपने अप्रोक्स इसे बनाने में सर सर अगर ये सेम स्टूडियो चाहिए जी तो लगभग चार से पाँच दिन तो लगते हैं इसको बस हाँ बस पाँच दिन में सारा हाँ, पाँच दिन पूरा ही रेडी हो जाता है ठीक है मेटीरियल okay. रिसीव होने के बाद

इसको पीछे एसी की भी वायर कहीं नहीं देखो ए सी लगाए वायर नहीं है तो ये भी हमारी टीम पूरा करके देगी ठीक तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट मिनिमम एटलीस्ट डाउन पेमेंट यहाँ करके बाकी इंस्टॉलेशन होने के बाद आप पेमेंट कर देते हैं okay. वो कंपनी का मोड अलग अलग है समझ गया मतलब पच्चीस परसेंट मान लीजिए पहले पैसा हा, हा, देंगे हा, उसके बाद सब कुछ आप लगा रहे हैं उसके बाद पैसा हा, तो एक अच्छा भी है सेटिस्फेक्शन जोन भी, भी, भी है तो इसमें मैं तो पर्सनली एग्री करूंगा आपसे दूसरी बात सर इतना ही जो हमने देखा इसमें इसमें क्या खर्चा आता है अगर मुझे मैं देख रहा हूँ वन रूम सेटअप है पूरा इसमें अलग अलग वीडियो तीन चार तरीके की बना सकते हैं क्या खर्चा आएगा सर सर ये ना खर्चे पे पंद्रह सौ रुपए स्क्वायर फिट है

पॉडकास्ट करना जैसे, कि आपने में दिखाया। तो जैसे किसी को भी अब डिजिटल पे लाइव जाना है hmm. तो डी वीडियो कैमरा रखे अपना right. शॉर्ट्स के लिए उसके लिए बट hmm. लाइव रिकॉर्ड करना है तो ये पीटीसी का बेंच कैमरा है देखिए अभी आप इतना दिख रहे हैं अगर मैं जूम करता हूँ आपको पढ़ाना है

कैमरे पे फ्लिकरिंग नहीं आ रही है यानी right. जो यूनिवर्सल यु, सेटिंग है एक बार ये सेटिंग हो गया hmm. अब आपको आना है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देना hmm. है और खैर मैं ये यूज भी करता हाँ, हूँ जो हाँ। आपका ये बेंचमार्क का कैमरा है वो हमारे स्टूडियो में भी लगा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी लाइव होते हैं ना हाँ। मैं स्पेशली इसी से करता हूं इसमें कोई झंझट नहीं पहले है। कैसे करते सर आप पहले पहले जो था पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी मतलब विदाउट एनी एक्सपर्ट में नहीं हा, जा पाता हा, था, था। क्योंकि कैमरे की बैंड भी एक डेढ़ घंटे में बैटरी खत्म हो गई लाइव रुक गया बीच में बैटरी लगा रहे बहुत सारे लाइक पहले कैप्चर कार्ड चलता था कैप्चर कार्ड लगाया कैप्चर कार्ड ऑडियो सही से नहीं ले जा पा रहा क्योंकि दो तीन तार के थ्रू जा रहा है प्रॉब्लम आती थी लेकिन जब से ये लगाया टेंशन खत्म तो बच्चों को दिखाता हूँ बैठ के साइड में देखो बैठ गया थक गया मैं रिमोट में आपका एक प्रिसेप्ट

पर्दा दे देंगे है। जिसमें आप ग्रीन क्रोमा वाला वीडियो न्यूज़ वाला बनाना है जैसे ठीक है, है, है।, 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 हाँ। है तो <laughs> गाना आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसीलिए इसका नाम है बेंच मार्क रेनबो सेटअप एक स्टूडियो सेवन टाइप प्रॉप आप यूज कर सकते हैं और ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं ये जब आपके स्टूडियो में गया था जी जी तो मैंने देखा काफी अच्छा काम है क्योंकि हम ना ग्रोइंग है राइट right. ये आज बना रहे हैं कल ऐसे ही बनाएंगे ऐसा नहीं है जहां अच्छा रेफरेंस मिलेगा अरेंज भी करेंगे पैसा खुद खर्चा करेंगे right. तब रिकमेंड करेंगे hmm. और मैं बताऊ मैंने कैसे ये वाला लगवाया था मैंने yeah. बड़ी माथा पेची करी मतलब आई डोंट थिंक सो एंड मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा अपने दोस्त यार जो मेरे देख रहे हैं yeah. बड़े यूट्यूबर की इतना तो मेहनत करना तो खर्चा, खर्चा तो चलिए मान लीजिए ऊपर चल जाता है इंसान लेकिन खुद कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है मतलब मैं वीडियो डाल रहा हूँ मैं मेरे को बिजली मैन समझ रहा हूँ भाई इसके बाद बहुत पैसा वो आस बैठे हुए ऐसा करो वैसा उसको समझ ही नहीं आ रहा भत्ते क्यों लगवा रहे मैं इतना घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना आप अपना एक घंटे की आपकी कीमत है ना उतने में में स्टूडियो बन जाएगा ये ये आपने सर बहुत बड़ी बात बोली है कि कि आप जिस कार्य जा रहे हो कि यहां पैसा बचा रहे हो कोशिश करो बचा रहे हो या गवा रहे हो सही बात है आउटसोर्स करो ना और अच्छी चीज लगवाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दो हाँ मतलब मैंने जितना क्योंकि चलिए मेरे लिए था की मैं इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ क्रिएटर के लिए तो मुझे जानना भी जरूरी था लेकिन आपका कतई जानना जरूरी नहीं है इसमें बहुत दिमाग लगता है लेकिन एक बड़ा अच्छा सेटअप है व्हाइट का एक अच्छा

बैठ सकता हूँ ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब हाँ, प्यार खराब नहीं।, नहीं लग रहा है मतलब हा, हा, लेकिन एक स्टिक में नहीं कर सकते आप ऐसे गंदे नहीं, गंदे पे नहीं तो ये बड़ी अच्छी चीज है और अगर मैं इसको बंद करूँ और अगर ये हैंडल ना हो तो आप ये फील नहीं कर सकते कि ये दरवाजा है तो आप हटा भी सकते हैं यानी फिनिशिंग जो है आप देखेंगे बहुत प्यारा फिनिशिंग ठीक है फेक्ट हाँ. तो एट द एंड मैं आपको लाइक प्राइस भी सर ने बता दिया ऑलमोस्ट कई बार आप डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा हाँ. रेफरेंस तो आप दोगे तो बेस्ट देखो प्राइस में ऊपर नीचे मत करना क्वालिटी जो है वो बेटर करवाना हाँ, आपसे हाँ. और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि चंदन जी बड़ा अच्छा काम करते हैं दस सालों से इसी क्षेत्र में है टेक्नोलॉजी स्टूडियो वाले में तो थैंक यू सो मच सर एट द एंड कुछ और कोई प्लस माइनस रह गया स्टूडियो वाइज तो सर का रेफरेंस है ना तो आप समझो कि हम और सीरियस हैं <laughs> क्योंकि सर की क्रेडिबिलिटी है हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है दोनों क्रेडिबिलिटी और प्लस प्लस होती है या तो हम झूठ बोल के गलत बोल के एक बार आपको दें और पैसा कमाए खत्म कर दें या आपको एडवोकेट बनाए आपके साथ काम करें आपके टेक प्रॉब्लम और टेक एडवाइजर बन जाए तो आप हमें प्रमोट करेंगे हर कोई ये ह्यूमन नेचर है मैंने आपके साथ अच्छा किया क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा बंदा आगे जाए ठीक है तो ये है कि कम्युनिटी है आप हमारे फैमिली के मेंबर नहीं भी हो तो फैमिली मेंबर हो आप. है? तो कोशिश पूरी टीम की यही है प्रॉब्लम तो हाँ, अच्छा हाँ, 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 फेस करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आई होप आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा नीचे फॉर्म भी है नंबर्स भी है आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं थैंक यू सर जी थैंक यू सो मच थैंक यू सर जी